पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से देश में हंगामा मचा हुआ है, लेकिन सिद्धू मूसेवाला अपनी मौत की आशंका पहले ही जता चुके थे। इस समय उनके दो गाने द लास्ट राइड और 295 लगेगी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। ये सहयोगी है कि इनके टाइटल में ही इनका मौत का अलर्ट था। 10 महीने पहले उन्होंने गीत 295 लगेगी रिलीज किया। यह गीत पंजाब में हो रही पवित्र ग्रंथ की बेअदबी की घटनाओं को लेकर था। इसके बोल थे, सच बोलेगा तो 295 लगेगी। 29 तारीख और 5वां महीना यानी 29 मई को ही उनकी मौत हो गई। दूसरे गाने का टाइटल देखें, द लास्ट राइड। तो सिद्धू ने अपनी महिंद्रा थार में जिंदगी की लास्ट राइड की। सिद्धू ने मौत से 4 दिन पहले 25 मई को गाना रेवल्स रिलीज किया था। इससे 2 सप्ताह पहले 15 मई को गाना द लास्ट राइड रिलीज हुआ था। एक गीत 10 महीने पहले 295 रिलीज हुआ। सिद्धू ने द लास्ट राइड गाना यूट्यूब पर अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया था। 15 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले। द लास्ट राइड गाने को रिलीज हुए 15 दिन हुए हैं और इसे 1.3 करोड़ से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। गाने के बोल सिद्धू ने खुद लिखे थे। इसे सुनने में ऐसा लगता है कि सिद्धू मूसेवाला को अपनी मौत का पहले ही अंदाजा हो गया था। गाने में सिद्धू कह रही हैं कि जवानी में ही जनाजा उठ जाएगा, मौत ना जाने कब तक दस्तक दे दे। और सच में 29 मई को उनकी ड्राइव जिंदगी की द लास्ट राइड बन गई। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।